हाँ भाई तायरान भाई, हेड या टेल? टेल। बैटिंग करोगे बॉलिंग करोगे? बॉलिंग बॉलिंग सर। चलो चलो आओ भाई, ये विकेट ऊपर है थोड़ा। हाँ एक पॉइंट मिला था ना, पांच हो गए, इसके चार आए। हाँ क्या ये वाला तो मेरा वाला कहाँ है, ये है ना। चलें भाई फील्ड खड़ी करें फटाफट। तुम्हारी बैटिंग है, जाओ जाओ कमेंट्री पे जाओ। आज दो लोग कमेंट्री करेंगे, सिकंदर और करा यार। चलो भाई फील्डिंग का है। वेलकम बैक वंस अगेन, और आज एक मरतबा फिर दोनों टीमों को खुश आमदीद कहते हैं। खुश रहो पाकिस्तान स्टेडियम में। और आज का मैच स्कर्दू में खेला जा रहा है, जहां पर सर्दी बहुत ज्यादा है और विकेट भी बहुत ज्यादा गीली है, और आज तमाम बल्लेबाजों को बैटिंग करने में बहुत ज्यादा दिक्कत पेश आ सकती है। और आज का मैच दोनों टीम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। फैसल भाई अपने पॉइंट पर मौजूद, पहला ओवर, नबील करने के लिए तैयार अपने पॉइंट पर मौजूद। फयाज फील्ड सेट करते हुए, फैसल भाई सामना करेंगे नबील का। अभी नबील तक नबील का। नबील का रिकॉर्ड है कि मैं इसको मार नहीं सका, आउट कर देता है मुझे। नबील अपने पॉइंट पर मौजूद, अंपायर के पास से गुजरे बॉल की, और इस बार फैसल भाई का मिड ऑफ पर शॉट, और अंपायर का इशारा चेक करना होगा, और अंपायर का इशारा चेक करेंगे। अंपायर का इशारा चार रन के लिए, और फैसल भाई का शानदार आगाज। नबील ने अगली बॉल की स्लो बॉल, फैसल भाई लेग स्टंप पर खेलना चाहते थे, और एक मरतबा फिर चार रन के लिए नबील अपने ओवर की अगली बॉल करने के लिए तैयार। आई थिंक मुस्कान थोड़ी सी अनफिट हुई यहां पे, उनके हाथ में बॉल लगी और इस बार बॉल कर दिया, और नबील की शानदार बॉलिंग। फैसल भाई इस बॉल को खेलना चाहते थे, थोड़ा सा आगे बढ़े लेकिन बॉल बल्ले पर नहीं आ सके। जज नहीं हुआ, कोई नहीं हो जाएगा। दर्शकों से खचाखच भरा है आज का ये स्टेडियम, और स्वागत करते हैं आपका मुकेश गुप्ता बात यहाँ कमेंट्री बॉक्स में आ चुका हूँ, और शानदार कैच पकड़ा फयाज ने, गति बनाए रखते हैं यही इनकी एक खासियत है। बढ़िया साझेदारी टिकटॉकर्स की तरफ से, गेंद जिस दिशा में जा रही थी उससे तो यही लगता था। ओए जल्दी आओ भाई, इतना टाइम नहीं है। अब देखना यह है कि आने वाले बल्लेबाज गेंद को कैसे बाउंड्री की सीमा के पार लगाता है। आए? जी तो गेंद कराई उन्होंने, और जनाब शरीर पे गेंद मारी है, शरीर पे लास्ट बॉल। इनका शरीर भी काफी बड़ा है और तबीयतन भी थोड़े शरीर हैं। गेंद को सीमा पार लगा दिया चार रन के लिए, बढ़िया साझेदारी। और आज कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ मुकेश गुप्ता भी मौजूद हैं, जो कि कमेंट्री के फराइज अंजाम दे रहे हैं, और उसी के साथ पहला ओवर का खेल मुकम्मल। पहले ओवर के अख्तिताम पर बैटिंग साइड का बढ़ता हुआ स्कोर 12 रन। फयाज ने बॉल की और यहां पर बढ़िया स्ट्रोक, बल्लेबाज ने फाइन लेग पर खेल दिया। द नेक्स्ट बाउंड्री फॉर पाकिस्तान स्टार्स। अपनी तरफ से खुद को एबी डिविलियर्स मानने वाले हमारे अब्दुल्ला जावेद शेख, बढ़िया बॉल, और यहां पर भी अंपायर का इशारा चेक करना होगा। भांप लिया है बॉलर की नियत को इन्होंने, और सीमा पार लगा दी है गेंद, इन्होंने चार रन के लिए हासिल करेंगे। दर्शकों का अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, और बढ़िया खेल का प्रदर्शन। डेड बॉल, और अंपायर का इशारा डेड बॉल के लिए।
फयाज अपने ओवर की दूसरी बॉल करेंगे। फयाज आए अंपायर के पास से गुजरे और इस बार चकमे में आ गए हैं फयाज और स्ट्रेट मिड ऑफ की जानिब खेल दिया। बड़ा ही अच्छा। और घबराए लगते हैं फयाज। एक और चार रन। बड़ा ही अच्छा शॉट खेला और इस दफा चूक चुके। नबील कैच पकड़ना चाहते थे, नहीं पकड़ पाए। और एक और शानदार बाउंड्री और इस बार चौकों की बारिश कर दी है बल्लेबाज ने। फयाज अपने ओवर की आखिरी बॉल करने के लिए तैयार। लगता है बल्ला जैसे धुआं उगल रहा हो। और उसी के साथ ये ओवर भी मुकम्मल हुआ। और इस ओवर में लगातार चार बाउंड्रीज लगाई पाकिस्तान स्टार्स के दोनों बल्लेबाजों ने। मुस्कान तीसरा ओवर करने के लिए तैयार। एक अच्छे बल्लेबाज का कर्तव्य होता है अपनी टीम को पार लगाना। हरी अप। और इस काम में शिखर पर पहुंचने वाले जैन बलोच आ चुके हैं। एज लगा और देखना ये अंपायरों का क्या फैसला होता है। शॉट नहीं था फिर भी चिंतित नजर आए जैन बलोच। अगली गेंद कराई, गति ज्यादा थी। स्कोर प्लीज। स्कोर बताएंगे कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथी। चार चार। बढ़िया चौके, बढ़िया खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत तेज खेल दिया। एक महिला की गेंद पे ऐसा शॉट खेलना, चार चौके ये, और वो भी बाएं हाथ से, ये बड़ा मुश्किल काम दिखाई देता है। एक और दफा बढ़ा दिया। पांच चौके। अति उत्तम खेल का प्रदर्शन हो रहा है यहाँ स्कर्दू से। आप देख सकते हैं लाइव एंड एक्सक्लूसिव। और उसी के साथ ये तीन ओवर्स का खेल मुकम्मल। स्कोर तीन ओवर्स के अख्तिताम पर पाकिस्तानी स्टार्स का बढ़ता हुआ स्कोर अभी आपको बताते हैं कुछ ही लम्हात में। और पाकिस्तानी स्टार्स ने अभी तक बनाए हैं 53 रन। और फैसल भाई चौथे ओवर का आगाज करेंगे। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 53 रन, एक हैंडसम स्कोर नजर आता है। फैसल भाई आए बॉल की और इस बार फाइन लेग पर खेल दिया बल्लेबाज ने, मगर इस बार कोई रन न बन सका। फयाज फील्ड सेट करते हुए। फैसल भाई आए बॉल की और इस बार बॉल सीधा फयाज के हाथों में और एक बड़ा नुकसान पाकिस्तान स्टार्स के लिए। और फैसल भाई की एक बड़ी कामयाबी, यकीनन एक अच्छे बैट्समैन साबित हुए आज। और इस बार मुस्कान की जानिब से अच्छी फील्डिंग। अच्छा बहुत अच्छी फील्डिंग, उसको खुद नहीं पता। तीन बॉले 54 रन। और मैं बहुत जैन बलोच सामना करेंगे फैसल भाई का। और मैं बहुत अच्छे से जानता हूं फैसल भाई मुझे आउट कर बिल्कुल खुश नहीं है। और इस बार जैन बलोच आगे बढ़े, कदमों का इस्तेमाल किया और बॉल सीधा तेजी के साथ बाउंड्री लाइन से बाहर। और इस बार बहुत करीब से गुजरा फैसल भाई के। छोड़ दिया। और ये ओवर भी मुकम्मल हुआ। चार ओवर्स के अख्तिताम पर पाकिस्तान स्टार्स ने बनाए 62 रन और टिकटॉकर्स को ये मैच जीतने के लिए चार ओवर्स में 63 रन दरकार। बहुत बड़ा टारगेट है ये कैच था हाथ से। और आज पाकिस्तानी स्टार्स की जानिब से शानदार बैटिंग हुई और चार ओवर्स में पाकिस्तानी स्टार्स के बल्लेबाजों ने बनाए 62 रन और टिकटॉकर्स के लिए एक बहुत बड़ा हदफ, जो कि आई थिंक टिकटॉकर्स इससे पहले भी बनाते आए हैं। लेकिन देखना यह होगा कि आज टिकटॉकर्स के हदफ बना पाते हैं या नहीं। आज का मैच स्कर्दू में खेला जा रहा है जहां पर मौसम बहुत ही ज्यादा खुशगवार, लेकिन बल्लेबाजों के लिए काफी दिक्कत। लेकिन पाकिस्तानी स्टार्स के बल्लेबाजों ने यह साबित किया कि पिच गीली हो या सूखी हो,
हमारी बैटिंग बहुत शानदार होती है और आज पाकिस्तानी स्टार्स के कैप्टन फील्डिंग सेट करते हुए पहला ओवर करेंगी अनिल कगेल। अनिल कगेल ने बॉल की और इस बार फैसल भाई ने स्विप किया और पहली बॉल पर चार रन। और इस बार भी जैन बलोच के पास से बॉल गुजरता हुआ बाउंड्री लाइन से बाहर। जैन बलोच की गलती, जैन बलोच बॉल को ना रोक सके और इस बार तू खड़ा है। और इस बार अब्दुल्ला की जानिब से अच्छी फील्डिंग। कौन? मैं समझा ये खड़ी हुई है। तीन बॉले, मैं समझा ये खड़ी हुई है। आठ रन, सॉरी। अनिल गिल और इस बार अनिल गिल ने तुक्के में ये बॉल रोकी। चार बॉले आठ रन्स। अनिल गिल अंपायर के पास से दूसरी बॉल की। व्हाट अ कैच, अनबिलीवेबल। और यहां पर जितनी तारीफ की जाए जैन बलोच की उतनी ही कम है क्योंकि जैन बलोच ने लाइक आई कैन बिलीव इट, I can't resist appreciating to Zain Baloj. और Zain Baloj ने अपने हाथों का फायदा उठाया और Zain Baloj की हाइट माशाल्लाह बहुत ज्यादा है तो Zain Baloj ने अपने हाइट का भरपूर फायदा उठाया और फिर उनके हाथ भी माशाल्लाह उनकी हाइट की तरह लंबे लंबे और बॉल सीधा Zain Baloj के हाथों में। पांच बॉले आठ रन, एक विकेट के नुकसान पर अनिल कगिल अपने ओवर की आखिरी बॉल करने के लिए तैयार। फयाज सामना करेंगे अनिल कगिल का। अनिल कगिल अंपायर के पास से गुजरी और इस बार बॉल सीधा जैन बलोच के हाथों में और यहां पर सेव रहे फयाज और उसी के साथ पहले ओवर का खेल मुकम्मल। पहले ओवर के अख्तिताम पर टिकटॉकर्स का रुका हुआ स्कोर आठ रन एक विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर करेंगे फैसल भाई। फैसल भाई अपने पॉइंट पर मौजूद, वहीं जा। नबील अपनी जुल्फों को सवारते हुए, एक लड़की कम करो, एक लड़की कम करो, एक लड़की कम करो। और मैदान के ऊपरी हिस्से में नबील पैटीज को एंजॉय करते हुए और इस तरह खा रहे हैं जैसे पहली बार इनको पैटीज मिला और यहां पर उठाकर खेल दिया और अंपायर का इशारा चेक करना होगा और यहां पर एक मौका दिया गया क्योंकि एज लगा और बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर। इस बार फ्लिप किया, द नेक्स्ट बाउंड्री फॉर टिकटॉकर्स और मजीद चार रन का इजाफा। इस चार रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 12 रन। फैसल भाई अगली बॉल करने के लिए तैयार। फैसल भाई आए बॉल की और इस बार बहुत ही करीबी मामला और नबील इस बॉल को खेलने में काफी कंफ्यूज नजर आए और इस बार भी नबील लेग स्टंप पर खेलना चाहते थे मगर बीट हुए। चार बॉले 12 रन। फैसल भाई की पांचवी बॉल और इस बार फाइन लेग पर खेल दिया बल्लेबाज ने। लास्ट बॉल और इस बार नबील ने भरपूर कदमों का इस्तेमाल किया सीधे बल्ले के साथ और अपनी टीम के लिए मजीद चार रन का इजाफा। तेज शॉट मारे हैं नबील ने और दो बाकी है। लाइए दो ओवर के अख्तिताम पर और एक मजे की बात फिर आमने सामने जैन बलोच और फयाज और कोई फील्डर यहां मौजूद नहीं है। और फिर मजा आने वाला है दोनों अपनी तैयारियां पूरी करते हुए। जैन आए बॉल की और बहुत अच्छा कवर ड्राइव फयाज की जानिब से गैप में। फैसल भाई हाथ से लग गया था वरना
आउट होता। फैसल भाई आज आपको लगता है कि जैन बलोच फयाज को आउट कर देंगे? सेम हुआ था जैन का भी, जैन का भी सेम माना था चौका, एक वार्निंग दे दी गई है फयाज को और देखना है चौथी बॉल पे क्या करते हैं। डेड बॉल, फील्डर वॉज रेडी प्रॉपरली, ग्राउंड में ही उतर आए वो। एक नजर खबर जैन बलोच आए बॉल की और जैन बलोच ने आउट कर दिया है, आउट कर दिया जैन बलोच ने फयाज को, और फयाज बेचारे शर्मिंदा से होके ग्राउंड में वापस पवेलियन में जाते हुए अजीब परेशान से है। स्कोर बताया जाए, चार चार बॉले 28 रन्स, अभी तक 28 रन हुए हैं सिर्फ, और तरान को समझ नहीं आई बॉल आई किधर है। तरान को अभी तक एंजॉय कर रहे हैं तरान बॉल को, उनको समझ नहीं आया बॉल गई और आगे निकले और फ्यूचर तबाह हो गया है। और उसी के साथ ये तीन ओवर्स का खेल मुकम्मल, तीन ओवर्स के अंतदाम पर टिकटॉकर्स का बढ़ता हुआ स्कोर 28 रन्स। आखिरी ओवर है, सिकंदर आए बॉलिंग करने के लिए, चाका देके बॉल कराते हैं सिकंदर भाई, कितने रन चाहिए आखिरी ओवर में? आखिरी ओवर में हमारे स्कोरर बेहोश हैं, उनको पता नहीं है क्या हो रहा है। टिकटॉकर्स को यह मैच जीतने के लिए 6 बॉलों पर 34 रन दरकार। ओ माय गॉड, कराले कराले कराले, ओए अल्लाह मम्मी, चलो चलें जी। और बॉल करने के लिए आई हैं, ओह यहां पे तो कप्तान खुद आ गई हैं बॉल करने के लिए, बाजू चढ़ाए नबील सामना करेंगे भाई। कमाल कर दिया पाकिस्तान स्टार्स ने, दो लड़कियों को ओवर दे दिया है। ओ भाई हल्का हाथ रखना है नबील, दुआ आई बॉल की, आया पहली बॉल पे खूबसूरत शॉट 4 रन की जानिब और चौका मार दिया है नबील भाई ने। बड़ा खुश हो रहे हैं, लड़की को चौका मार के सीधे हुए गेप में शॉट मारा है, बहुत अच्छे भाई बहुत अच्छे। उम्मीद कुछ बाकी है और सिकंदर ने कैच छोड़ दिया है। ओए होए 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 ले भाई मेरी जान, ले भाई अब्दुल्ला ने भी कैच छोड़ देता मेरी जान। चार बॉले 36 रन हो चुके हैं और चौका मार दिया है, 40 रन हो गए भाई जी, वेरी गुड। हाँ भाई आखिरी बॉल कराने के लिए आई नबील ने एक हाथ से और मैच जीता है पाकिस्तान स्टार्स ने, हासिल किए 3 बॉल। तेरे पीछे पीछे अनिया, अरे होके मजबूर तेरे चलने में पानिया, चुकीदार हो बाहर। वेरी गुड, ये जरा